स्त्री जीवन संघर्षों की कहानी है। अपने जीवन काल में स्त्री को कई तरह की शारीरिक कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो प्रसव पीड़ा हो या मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा। हर स्त्री को कम से कम 3 दिन हर महीने इस चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। महिलाओं को मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर पुराणों में एक कथा प्रचलित है। यद्यपि विज्ञान की दृष्टि से यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें हर महीने 28 से 30 दिन के अंतराल पर स्त्री के शरीर से अशुद्ध रक्त माहवारी के रूप में बाहर निकलता है और फिर इसके बाद स्त्री गर्भधारण के योग्य बनती है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में स्त्री जब अपने रजस्वला से होकर गुजरती है तो उस समय उसे देवों के उद्यान स्थल में जाने की मनाही होती है और कहीं कहीं उसे रसोई घर में खाना भी नहीं बनाने दिया जाता। अभी भी कहीं कहीं ऐसा ही होता है, हालांकि अब काफ़ी हद तक ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के बीच अनबन हो गई। इसका फायदा उठाकर असुरों ने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी, जिसके कारण इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर वे किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करेंगे तो उन्हें उनका राजकाज वापस मिल जाएगा। तब इंद्र ने एक सुयोग्य ब्राह्मण की सेवा करनी शुरू कर दी, पर इंद्र को पता नहीं था कि जिस ब्राह्मण की वे पूजा करते हैं उनकी माता एक असुर थी। इसी कारण उस ब्राह्मण को असुर अधिक प्रिय थे और देवराज इंद्र सेवा स्वरूप जो कुछ भी चढ़ाते थे वे सब देवों के पास न जाकर असुरों के पास चला जाता था और इसका उन्हें कोई भी फल नहीं मिलता था। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिससे उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब आसुरी शक्तियाँ दिन रात उनका पीछा करने लगी। इंद्रदेव इधर उधर भाग रहे थे और अंततः वे एक पुष्प के अंदर छुप गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें विष्णु जी ने दर्शन दिए और कहा कि अगर इंद्र अपने पाप को जल, वृक्ष, भूमि और स्त्री में बराबर बांट देंगे तो वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे, पर इसके बदले इंद्र को उन चारों को एक एक वरदान देना होगा। तब इंद्र ने इन चारों को मना लिया और अपना एक एक चौथाई पाप चारों में बांट दिया। जल को उन्होंने वरदान दिया कि उसमें हर चीज़ को स्वच्छ करने की शक्ति रहेगी। वृक्ष को वरदान दिया कि वे नष्ट होने के बाद भी स्वतः ही जीवित हो जाएंगे। भूमि को वरदान दिया कि टूटने व दरार पड़ने के बावजूद भूमि खुद अपने घावों को भर देगी। अब स्त्री को उन्होंने वरदान दिया कि इंद्र का एक चौथाई पाप लेने के बदले स्त्री पुरुषों के मुकाबले काम सुख का अधिक आनंद उठाएगी और तभी से स्त्री को मासिक पीड़ा हर महीने झेलनी पड़ती है। इंद्र का यह श्राप स्त्री के लिए मासिक पीड़ा का कारण बना।